स्टूडेंट वेलकम बैक इन आर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल डू फॉर्मल लेटर। लास्ट टाइम मैंने बेटा आपके इंग्लिश ग्रामर में क्या करवाया था, लेटर्स के बारे में बताया था कि हमारे टू टाइप्स के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आज हम जो लेटर करने वाले हैं फॉर्मल लेटर, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। देखिए हमें क्या करना है, हमारी प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। फॉर व्हाट? आस्किंग फॉर 3 डेज। हाउ मेनी डेज? 3 डेज लीव टू अटेंड अ वेडिंग इन दी फैमिली। किस लिए? परिवार में शादी है, उसको अटेंड करने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? 3 डेज का ऑफ चाहिए। चलिए मैं आगे आपको इसके स्टेप्स बाय स्टेप्स समझाती जाऊंगी। आप सभी बच्चे इसको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे और जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने गैप दिया है, होता नहीं है, मैंने इसलिए दिया ताकि अच्छे से साफ साफ दिखाई दे। सेम यहाँ पर और यहाँ और यहाँ। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही सुंदर सुंदर काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है? तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राइटर्स एड्रेस। क्या है? राइटर का एड्रेस निहाल विहार न्यू दिल्ली, क्योंकि यहीं पे है तो मैंने यहीं का एड्रेस लिखा है। फिर डेट, बेटा जो डेट होती है ना आपको वही डेट मेंशन करनी होती है, सेम डेट। जैसे मैंने आज लिखा है तो मैंने आज की डेट डाली है, ठीक है? नेक्स्ट हम किसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिनको, उनका एड्रेस, यानी कि सेंडर एड्रेस, ठीक है? सेंडर एड्रेस है ये आपका। इसमें क्या आएगा देखते हैं, द प्रिंसिपल, ठीक है? हम किन को एड्रेस लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, तो हमने प्रिंसिपल मेंशन किया है। स्कूल का नाम क्या है आपका, वो मेंशन करेंगे, सनशाइन आइडियल पब्लिक स्कूल। अब ये स्कूल है कहाँ पे, प्लेस दैट इज़ अ न्यू दिल्ली। देन सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट ज़रूर याद रखिए आप लोग कि सब्जेक्ट किस लिए आप जो लेटर है या एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव, इट्स अ रीज़न। एंड देन ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लेटर में, विदाउट ग्रीटिंग आपका लेटर नहीं कंप्लीट है। सर या मैम, ठीक है, ये आप ज़रूर लिखेंगे। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुड बी अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 3 डेज ऑन द अकाउंट ऑफ वेडिंग इन द फैमिली। I would be required to go to उत्तर प्रदेश। देखिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ आप जाओगे वहाँ के लिए, to attend the wedding। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मैं 3 डेज के लिए स्कूल नहीं अटेंड कर पाऊँगा या पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे फैमिली में शादी है, वो अटेंड करनी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्यों, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, मुझे उत्तर प्रदेश आगरा जाना है शादी अटेंड करने। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम 24 नवंबर टू 26 नवंबर। तो देखिए 24, 25, 26 3 डेज आपके ये हो जाते हैं। तो ये 3 डेज का आप क्या ले रहे हैं, हॉलीडे ऑफ मांग रहे हैं मैम से। तो क्यों, क्या बोल रहे हो आप कि आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। यस ओबिडेंटली, ये क्या होता है बेटा, ये होता है क्लोजिंग। और ये जो पूरा पार्ट है आपका, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये लेटर का क्या होता है, ये बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है ये आपका, ठीक है, जिसमें आप मेंशन करते हो कि आप क्या बताना चाह रहे हो उनको। देन लास्ट आपका यूर्स ओबिडेंटली लिख के क्लोजिंग। देन यहाँ पे बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद यहाँ क्लास, क्लास में राइटर्स नेम ज़रूर लिखेंगे, यानी कि आपका नाम और आपकी क्लास आएगी। तो बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। और ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, इंग्लिश ग्रामर अगर अलग से बने तो अलग से, वरना जो है इंग्लिश की आप उसी में करेंगे।